गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और आपने जितना पढ़ा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम ये लेसन सिक्स, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो इसमें आपको हम आज पढ़ाएंगे सम मोर फाइल फंक्शन, पेज नंबर 99 ओपन करिए बुक में, पेज नंबर 99 सम मोर फाइल फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्लोजिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। तो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या है, टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द क्रॉस ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द लिटिल बार। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द फाइल टैब और मेनू ओपन विद ऑप्शन सेलेक्ट एग्जिट टू क्लोज द डॉक्यूमेंट्स। तो आप इसको क्लोज कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन कर रखा है तो आप क्लोज कैसे करेंगे। आपका ये डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है, ये डिस्प्ले है, यहाँ पर एक क्रॉस बना होता है, ठीक है। जब आप माउस को ड्रैग करके आप ले जाएंगे और इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो एग्जिट का बटन आता है, ठीक है, एग्जिट का, एग्जिट का मेनू ओपन होता है और आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। सेकेंड हमारा आता है सेविंग डॉक्यूमेंट्स। तो सेविंग टू सेव अ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द सेव एज और अ सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब। यू कैन आल्सो यूज द फाइल टूल फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। स्टेप टू, टू सेव योर वर्क ऑफ द फर्स्ट टाइम टू सेव और सेव एज, द सेव एज अ डायलॉग बॉक्स ओपन, गिव द फाइल अ नेम अंडर फाइल नेम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक होम होता है, फाइल का ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हम क्विक एक्सेस बॉक्स टूल्स पे क्लिक करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन खुल कर आएगा, किसका आएगा, सेव एज का ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। सेव एज पर हम ओपन क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर होगा, उसमें हमसे हमारा हमारा मीन्स की फाइल नाम, फाइल का नेम पूछेगा और उस फाइल का हम जो भी नाम है ABCDEXYZ जो भी हम उसको नाम को देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। हर हमारा आता है ओपन कॉपी एंड ऑप्शन, ये देखिए डायलॉग बॉक्स देखिए आप सेविंग डॉक्यूमेंट्स का, कि यहाँ हमारा सेव एज टाइप और फाइल नेम दोनों मांगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना नाम, किसी का नाम, कुछ भी, जो हम अपने फाइल का जो भी नेम देना चाहते हैं उसे टाइप करने के बाद हम सेव कर देंगे और हमारा फाइल सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है ओपन ए कॉपी ऑप्शन इन वर्ड 2013 अ शॉर्ट मेनू ऑप्शन ओपन अ कॉपी इज प्रेजेंट इन द रिसेंट डॉक्यूमेंट मेनू व्हिच वर्ड इज द सेम वे एज द न्यू फॉर्म एक्सेप्ट ऑप्शन इन अर्ली वर्जन ऑफ वर्ड। दिस मेनू ऑप्शन लेट द यूजर ब्राउजर ओनली डॉक्यूमेंट दैट आर ऑलरेडी ओपन, हाउएवर चूज न्यू इंस्टेड ऑफ ओपन अलाउ यू टू ओपन अ न्यू फाइल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा, देखिए इसमें दो फाइलें होती हैं, एक रिसेंट होती है और एक न्यू होती है। न्यू फाइल मीन्स होता है कि हम नया फाइल बनाने जा रहे हैं और रिसेंट मीन्स होता है कि हम जो फाइल बना चुके हैं, जो हमारी फाइल छूट गई है, हम उसी में आगे नेक्स्ट आगे जोड़ते हुए उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आफ्टर नेमिंग अ फाइल एज अ सेविंग, मतलब हम देखिए अगर हमको न्यू करना है, न्यू ओपन करना है तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे और उस ऑप्शन को, उस ऑप्शन में उस फाइल पे जो भी हमको वर्क करना है उसे मर्क करने के बाद उस फाइल को सेव कर लेते हैं। और अगर हमें रिसेंट फाइल ओपन करना है तो रिसेंट में जो फाइल हमने सेव किया हुआ है उसी फाइल को हम दोबारा ओपन करते हैं और उसमें से हमको जो ऑप्शन चाहिए उसे हम एक्सेस करते हैं, अदरवाइज जो नहीं चाहिए उसमें हम और इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा इसके बाद आता है फोर्थ प्रिंट, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। स्टेप टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड आर वेरी सिमिलर टू द स्टेप यू लर्न इन एमएस पेंट। बिफोर प्रिंटिंग यू कैन सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक ऑफ पेपर। तो हम पहले जब प्रिंट करते हैं तो उससे हम अपने जो हमारे
करके चेक कर लेते हैं कि हमारा पेज सेटअप ठीक है या नहीं है, मतलब हमारी राइटिंग क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइन हमारे ठीक है, कोई हमारा ग्रामीकल मिस्टेक तो नहीं है, कुछ जो भी मिस्टेक होता उसे हम करेक्शन करने के बाद फिर क्या करते हैं, पेज लेआउट ओपन करते हैं। पेज सेटअप ग्रुप इन द लेआउट टैब इज यूज्ड बाय यूजिंग द टूल अवेलेबल अंडर इट द पेज प्रॉपर्टीज सच एज मार्जिन एंड ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड। तो अभी मैं आपको बताया कि जो हमारा मिस्टेक होता है उसे ठीक करता है पेज सेटअप देखते हैं, उसके बाद जो हमारा पेज लेआउट होता है उस पेज सेटअप की जस्ट नीचे हमारा पेज लेआउट होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, पहले पेज सेटअप को क्लिक करते हैं तो वो हमारा डायलॉग बॉक्स जो होता है ओपन होता है। इसमें पेज नंबर फिगर नंबर 6.21 आप देखिए, ये इस तरह की स्क्रीन हमारी ओपन होकर आती है, ये हमारा इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो होता है हमारा ओपन होता है। ठीक है, अपीयर मींस होता है जो सामने खुल कर आता है। हेयर यू कैन चेंज द डिफॉल्ट पेज मार्जिन एंड सेट द ओरिएंटेशन टू आइदर पोर्ट्रेट ऑफ द लैंडस्केप। अभी भाई हमने बताया है कि हमारा पेज का मार्जिन जो है वो ठीक है नहीं है, लेआउट वो सारी चीजें को चेक करना होता है। चेक करने के बाद जो है हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं और उस सेव जो सेव होता है उसको सेव टू फाइनली प्रिंट यू वर्क फॉलो दीज स्टेप। उसके बाद हमारा ये सेव हो जाता है और क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। फिर हम फाइल टैब से जो क्या करते हैं प्रिंट के यहाँ पर फाइल मेनू होता है ना, उस फाइल मेनू पर हम क्लिक करेंगे, वहां से हमारा प्रिंट का ऑप्शन जो है ओपन होकर आएगा। मेक श्योर दैट द राइट प्रिंटर इज इन यूज। फिगर जो है आप देखिए इसमें 6.22 ये जो है ये फिगर जो है ओपन होकर आएगा। जब हम प्रिंट ऑप्शन पर जो फाइल टैब से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन ओपन होकर आएगा। क्लिक द प्रिंट ऑल पेज ऑप्शन और द पेजेस नंबर टू बी प्रिंट इन द पेज। हमारा यह ऑप्शन दिया रहता है कि हमें एक पेज को प्रिंट करना है या कई पेज को प्रिंट करना है, तो हमें जितने पेज को प्रिंट करना होगा वो नंबर हम देंगे। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट अ पेज बाय क्लिकिंग ऑन द क्विक प्रिंट आइकन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। और फिर हम एक्सेस टूल बार को क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट ऑप्शन खुलकर आ जाएगा और हमारा प्रिंट आउट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रिंट आउट जितने भी पेजेस हमको निकालना है उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। सो बच्चों आज ही हमारा लेसन जो है केवल एक बचा, ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या है, सम टाइम वी नीड टू इम्प्रूव द लुक ऑफ द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, माई वॉन्ट टू मैच द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी पैराग्राफ इन हर इजी लार्ज देन द रेस्ट दैट शुड सी डू। If C starts, select the first letter of every paragraph and thus to the font group and increase its size is a good very time consuming। तो इसमें drop cap क्या है कि हम पहला वर्ड जैसे हमने एक लाइन कंप्लीट किया दूसरा लाइन शुरू कर रहे हैं तो वो पहला लेटर जो है हमारा कैपिटल लेटर कहना है तो हमको इटैलिक करना है बोल्ड करना है जो भी हमको लेटर करना है उसको हम करते हैं। उसमें जो हमारा सिंबल होता है फॉन्ट हैज स्पेशल फीचर कॉल्ड ड्रॉप कैप द हेल्प अस टू अचीव दिस इजीली। टू अप्लाई ड्रॉप कैप वी कैन फॉलो दिस सिंपल स्टेप, सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड टू द वर्ड document you have typed go to the insert tab from the text group select drop tab click the drop down arrow and the select the drop option। तो इसमें क्या होता है कि हमको अपना जो भी drop down के
या हम जो भी सैंपल देते हैं उस सबको क्लिक करने के बाद हम ओके पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और हमारा ये भी ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आपका आज ये सिक्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। और हाँ, जो भी आप ये जैसे क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, साइनिंग ऑप्शन और प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये जो आप है ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके फिगर जो है वो फिगर भी बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।